नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दिल्ली वन विभाग की ओर से जारी की गई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली वन विभाग में वैकेंसीज निकली हैं। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, नई भर्ती निकली हुई है दोस्तों, आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज लिमिट होगी दोस्तों 18 से 27 साल। तो वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं दोस्तों, तो अगर आपके लिए इस भर्ती में अप्लाई करेंगे तो आप इस भर्ती के लिए इस वीडियो के लिए देखते रहें एंड तक। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ गए हैं सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट होगी दोस्तों दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर ऑनलाइन फॉर्म 2020। पोस्ट डेट है 11 जनवरी 2020। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन बिगन 14 जनवरी 2020, मतलब आज 13 जनवरी है, 14 जनवरी 2020 से इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। तो आप लास्ट डेट है आपके यहाँ पे ऑनलाइन ये 13 फरवरी 2020, मतलब इस भर्ती में आपको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट होगी 13 फरवरी 2020। और एप्लीकेशन फ़ीस होगी आपकी, तो एप्लीकेशन फ़ीस होगी आपकी जनरल कैटेगरीज के लिए, OBC कैटेगरीज और EWS के उम्मीदवारों के लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी 100 रुपये होगी, और SC और ST के लिए 0 रुपीज़ होगी। और अगर आप फीमेल हैं और आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम डेट है यहाँ पर 12 से 13 मार्च 2020, और आपके लिए इस भर्ती में एडमिट कार्ड जो होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे मार्च 2020 में। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो यहाँ पर इस भर्ती के लिए टोटल पोस्ट हैं वो 226 हैं। तो यहाँ पे आप पोस्ट नेम देखिए, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों 211 टोटल पोस्ट हैं। इसके लिए आपको किसी भी बोर्ड से 10+2 पास होना अनिवार्य है। तो एज लिमिट होगी दोस्तों आपकी यहाँ पे 18 से 27 साल। हाइट होगी आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट होगा 84 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए होगा चेस्ट 79 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों वाइल्ड लाइफ गार्ड की, इसके लिए टोटल 11 वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए आपके लिए ओनली 10th पास होना ज़रूरी है और एज लिमिट होगी आपकी 18 से 27 साल। फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है 3rd नंबर, इसके लिए आपको 4 पोस्ट हैं और इसके लिए आपको BTech होना ज़रूरी है। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट है आपके दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट होगा 84 फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड 79 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों टोटल 211 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 88, EWS के लिए 21, OBC के लिए 57, SC के लिए 30, ST के लिए 15 वैकेंसीज हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी हुई हैं 11, जिसमें 4 जनरल के लिए, 1 EWS के लिए, 3 OBC के लिए, 2 SC के लिए और 1 ST के लिए। फॉरेस्ट रेंजर की दोस्तों ओनली 4 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर जनरल के लिए 3 और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डेली रिक्रूटमेंट 2020 फॉर फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ एंड गार्ड एंड फॉरेस्ट रेंजर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन 14 जनवरी 2020 से आप 13 फरवरी 2020 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों, इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक होगा वो 14 जनवरी 2020, मतलब कल से एक्टिवेट हो जाएगा। तो कल से आप सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ खास खास पॉइंट्स पर दोबारा से बता देता हूँ। लास्ट डेट
आपकी एप्लीकेशन कल 14 जनवरी 2020 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट होगी 13 फरवरी 2020 और कंप्लीट आपके लिए फॉर्म 13 फरवरी 2020 से ही पहले कंप्लीट करना होगा। कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए फीस भरने के लिए या किसी भी अमेंडमेंट्स के लिए नहीं दिया जाएगा। एग्जाम डेट होगी आपकी 12 से 13 मार्च 2020। एडमिट कार्ड आपको मार्च में मिल जाएंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस होगी 100 रुपीज़, एससी और एसटी के लिए 0, और अगर आप फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो माफ़ हो जाएगी। आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है और आप एप्लीकेशन फ़ीस है जो वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती में मैंने आपके लिए बताया कि दिल्ली वन विभाग में जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें नई भर्ती आ चुकी है। एज लिमिट और योग्यता, योग्यता आपके लिए 3 पोस्ट हैं। एक में आपके लिए बीटेक होना ज़रूरी है, एक में आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड में 12th पास, और दूसरी जो है उसमें आपके लिए 10th पास होना अनिवार्य है। वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। एज लिमिट दोनों में 18 से 27 और फॉरेस्ट रेंजर में 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट होगी। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत ही सुनहरा मौका है उन युवाओं के लिए जिनके पास में नौकरी नहीं है और वो सरकारी नौकरी की तलाश में है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जॉब नोटिफिकेशंस लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।